मैं हूं तन्मय अग्रवाल और आज हमारे साथ हैं इंडियाज बेस्ट डांसर रियलिटी शो में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतने वाले मुकुल गायन। मुकुल, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो, आपसे आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि डांसिंग की शुरुआत कब की आपने? डांसिंग की शुरुआत मैंने आज से 10 साल पहले की थी, जब अच्छा जब मैं कुछ पता भी नहीं था, बट एक जज्बा था कि कुछ करना है। और एक्चुअली मेरा घर वालों के साथ उतना वो नहीं था कि मतलब सपोर्ट नहीं था, बट मेरे को था कि हाँ मेरे को पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, टीचर वीचर लोग मारते रहते हैं, बट कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि इंटरेस्ट है डांस में, तो तब मैं डांस में फोकस करने लगा। और स्टार्टिंग के 4-5 ईयर्स मेरे को ऐसे पता नहीं चला कि क्या चल रहा है लाइफ में, बट फिर भी रुका नहीं, करते गया, करते 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 आज ये शो मिला। अभी क्या एज है आपकी? अभी मैं 21 का हूँ। मतलब आप 11 साल की उम्र से डांस कर रहे हो? हाँ। किसी से ट्रेनिंग ली है प्रॉपर? यस, मेरा भाई है मितेश रॉय, उसने मुझे सिखाया है। जो तो अपन तीन लोग हैं, अपन तीनों ब्रदर्स जैसे रहते हैं, मितेश, मैं और नितेश। अच्छा। यस, तो तीन मेंबर्स हैं, हम तीनों मिलके सीखते हैं, जो सबसे बड़ा है वो मेरे को सिखाया है। ओके, तो जब बचपन में आपके मन में आया कि यार मुझे डांस करना है, तो फैमिली वाले क्या बोलते थे? पढ़ाई करो, क्योंकि वो तो एज ही पढ़ाई की होती है। यस, वो अभी बताया कि हर सबकी फैमिली वैसी ही रहती है, सबकी फैमिली बोलती है कि सेफ रहना चाहते हैं, सब लोग एक सेफ कॉर्नर में रहना चाहते हैं, सबको लगता है कि अगर पढ़ाई है तो सेफ हो तुम। तो मेरी भी फैमिली वैसी ही थी कि चलो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, और उनने भी बहुत कोशिश किया मुझे पढ़ाने का, बट मैंने भी बहुत कोशिश किया डांस करने का, तो मैं पढ़ाई से हमेशा दूर ही रहा हूँ। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैं 12th कम्प्लीट किया हूँ। 12th कम्प्लीट किया है। तो दोस्तों, एक मैसेज भी छिपा है इसमें कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, हम ये मान लेते हैं कि पढ़ने से ही दुनिया आगे बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है। इंसान कम पढ़ लिख के भी अपने पैशन को समय दे तो बहुत आगे जा सकता है। मुकुल, डांस कहाँ करते थे आप? जैसे कितना बड़ा था आपका घर, डांस वहीं करते थे या कहीं और जाते थे? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट हमने एक डांस क्लास ज्वाइन किया था, तो उसमें फिर कुछ अच्छा हुआ नहीं, उधर पे थोड़ा अनबन होने लगा, क्योंकि हम लोग पैसे नहीं देते थे। अच्छा। तो वो उधर का काम वगैरह करना पड़ता जो हमसे नहीं हो पाया था, हमें ये करना था, पूरा एक सेपरेट नॉलेज लेना था कि हमको खुद पे हमेशा वर्क करना है। तो उसके बाद हम तीनों भाई निकल गए वो डांस क्लास से। निकलने के बाद हम लोग पहले रोड में प्रैक्टिस किए। अच्छा, कहाँ? रायपुर में? यस, नाइट को स्ट्रीट में फुल प्रैक्टिस करते थे। कौन सी जगह पे करते थे? जो धर्मपुरा साइड है, धर्मपुरा साइड VIP चौक देखोगे आप, VIP चौक के वहाँ पे एक रोड है जो तब बन रहा था, उस टाइम की बात है। बहुत तो म्यूजिक की बात है। म्यूजिक नहीं चाहिए था, अपन वहाँ पे ऐसे वर्कआउट्स करके स्टंट्स मूव सीखते थे वही। अच्छा। तो वो करते 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 हम लोग फिर मंदिर में भी गए। मंदिर में? यस, मंदिर में भी प्रैक्टिस किए, तो मंदिर के पुजारी लोग ने भी भगाया अपने। वो कौन से मंदिर जाते थे? हमारे वहाँ पे है माना कैंप साइड में, वहाँ पे एक मंदिर है। अच्छा। तो क्लोज में एक इतना सा एरिया है वो। अच्छा, बहुत छोटा मंदिर है। यस, छोटा सा मंदिर, उधर पे भी अपन प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद मंदिर से भी हमें भगा दिया, बोले कि मत करो यार, भगवान का है, तो चलो ठीक है। फिर हमने लोन लिया फाइनली। अच्छा। हमने लोन लिया कुछ 20-30,000 का कुछ लोन लिया था हमने, एंड मितेश की मम्मी है उनने सपोर्ट किया था, हमारे मम्मी लोग ने सपोर्ट किया। तो एक घर के बाजू में एक छोटा सा क्लास बनाया। अच्छा। एक छोटा सा क्लास बनाया जिसमें हम प्रैक्टिस भी करते थे और बच्चों को भी सिखाते थे। ये किस उम्र की बात होगी? ये आज से 5-6 साल पहले की बात है। यानी मात्र 16 साल की उम्र में आप अपनी डांस क्लास शुरू कर सकते हैं। यस। अच्छा, जैसे कि मेरी आपकी मम्मी से भी बात हुई है, जब आप खिताब जीते तो मुझे उन्होंने बताया कि पापा चिल्लाते थे, तब वो अपने जो बचत के पैसे होते थे वो उनको देती थी, तो उससे रिलेटेड कोई आपको ध्यान है कुछ किस्सा? हाँ, कि क्योंकि हमें मैं जब छोटा था तब ऑडिशंस वगैरह होते थे अपने रायपुर में बहुत सारे। हाँ। ऑडिशंस होते थे, लोकल ऑडिशंस कॉम्पिटिशन लाइक, तो वो हम मेरे को फेस करना बहुत अच्छा लगता था जाना। तो उसमें 200-300 जो भी रहता था एंट्री फीस वो भरने रहते थे, तो मैं मम्मी से मांगता था, क्योंकि पापा तो देते नहीं थे, उनको नहीं था इंटरेस्ट कभी भी, बट लेकिन मम्मी से मैं बोलता था मैं करना है मम्मी, तो फिर वो देती भी थी, कपड़े के लिए भी देती थी कभी, तो वो सब करके मम्मी ने मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बैक सपोर्ट हमेशा करती थी मेरे को मम्मी का रहता था। अच्छा, सबसे पहले रायपुर से बाहर कब निकले? मैं रायपुर से जब मैं 16 साल का था, 16 साल का था, तब मेरे को फर्स्ट शो मिला था। अच्छा। जो केरला का शो था, D4 डांस जूनियर वर्सेस सीनियर। ऑडिशन से ही सेलेक्ट हुए थे उसमें भी? यस, मैं उससे पहले भी ऑडिशन दे चुका था बहुत सारे शोज का। मैं 14 ईयर का था, 14 ईयर से मैं ऑडिशन देना स्टार्ट किया था।
अच्छा, तो दो साल तो हुआ नहीं कुछ भी दो साल से। फिर मेरे को फर्स्ट किक जो मिली वो 16 में मिली थी। 16 को मेरे को एक शो मिला था, 16 एज का था मैं। तो वो एज में मेरे को एक शो मिला था केरला का, डी4 डांस यूनिवर्सिटी सीनियर, उसको करने के, उसको मैं जब किया तो उसका ज़्यादा मैं जा नहीं पाया उसमें। मतलब कहाँ तक पहुँचे? टॉप 30। मतलब फर्स्ट सेकंड टीवी राउंड तक नहीं आ पाए थे? नहीं, टीवी था। अच्छा, थर्ड सेकंड एलिमिनेशन हो गया था शो में। तो उसके बाद मेरे को, और एक जैसे ही मैं उधर से निकला तो माइंड में क्लिक हुआ कि अभी मेरे को कैसे भी, अभी इतने जल्दी निकल गया मैं, अभी कोई भी शो आएगा उसको बहुत अच्छे से करना है मेरे को। तो जस्ट मैं घर आया और शोज़ वगैरह सर्च कर रहा हूँ, इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ। तो इंटरनेट में सर्च करते करते मेरे को एक 10 दिन में वहाँ से साउथ से कोरियोग्राफर का कॉल आया। अच्छा, मेरे को कि तुम्हारा डांस अच्छा लगा, तुम आ जाओ यहाँ पे, एक शो है D10 बोल के, ETV तेलुगु का। तो फिर मैं उन्हें वो शो किया D10, तो वो शो में मैं फाइनलिस्ट बना। अच्छा, यस। तो ऐसा दिमाग में नहीं आया कि साउथ का शो क्यों करूं? कुछ चल रहा होता है आमतौर पर दिमाग में कि हम हिंदी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं? एक्चुअली मैं तो डरा हुआ था फर्स्ट, सबसे अच्छा। पहले जब साउथ का मेरे को कॉल आया सडन, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, जो भी है उसको फ्रॉड भी लगता है, फ्रॉड भी हो सकता है। मैं डर के गया वहाँ तक के कि क्या होएगा, पता नहीं था। लेकिन मेरे माइंड में था कि मेरे को करना है। अकेले गए थे? नहीं, मेरा एक भाई था साथ में, उसको अच्छा। लेके गया था। माइंड में बस यही था कि करना है, जो भी है देखा जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड थी मेरे को बहुत पैशन था, मेरे को टीवी में दिखना ही था। मैं बचपन से सोच के रहा था कि मैं टीवी पे ही दिखूंगी। अच्छा, क्योंकि ये ज़रूरी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी एक बार किसी कंपटीशन पार्टिसिपेट करने गया था, तो मैं जनरल डब्बे में सवार होकर गया था। अपन उसी में गए थे जनरल डब्बे में ही? बहुत, वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा किया है स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि अच्छा। जब मैं स्टार्टिंग, जब सबसे फर्स्ट मैं मुंबई गया था, तब की ट्रिप ऐसी थी मेरी, बहुत अलग थी। जैसे कि? जैसे मेरी टिकट कन्फर्म नहीं हुई थी, तो मेरे को फिर भी ऑडिशन देना था। तो मैं एक्चुअली मैं रायपुर से DID के लिए सेलेक्ट हुआ था, DID Season 3 के लिए। हाँ, यहाँ उनका ऑडिशन हुआ। हाँ, तो रायपुर में दो बंदों का सिलेक्शन हुआ था तब, 2000, मैं तब 15 साल का था। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम बस मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इधर से मुंबई जाने के लिए मेरे को जाना था, तो मैं टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। तो तब मैं जनरल बोगी में घुस के गया, और ऐसे वो जो वॉशरूम है उधर पे ऐसे पैर लटका कैसे बैठे हैं, फिर वैसे मतलब वैसे बहुत बहुत धक्के खा के गया था। तो वो ट्रिप बहुत अलग लेवल का ट्रिप था। तो वो ट्रिप गया, ऐसे बहुत सारे गए। D10 के बाद? फिर D10 के बाद साउथ में बहुत काम किया। अच्छा। साउथ में बहुत अच्छा नेम मिला, मतलब वहाँ पे बहुत, अभी भी कोई किसी को किसी साउथ वाले को मेरा नेम पूछो तो अभी भी उनको याद है, क्योंकि बहुत साल पहले किया था। और वो सीज़न वो वहाँ का सबसे बेस्ट सीज़न था। अच्छा। जैसे इस बार इंडिया बेस्ट डांसर पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट शो था, वैसे ये D10 उधर का पूरा वो सीज़न का बेस्ट शो था। ओके। तो बहुत अच्छा फेम मिला। उसके बाद और भी बहुत सारे काम किए, फिर कतार गया, आउट ऑफ इंडिया का भी शो किया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। भी शो किया। उसके बाद आया, आने के बाद जी तेलुगु में मैंने एक शो किया था जिसमें मैं मेंटर था। अच्छा। यस, मेरे पास कंटेस्टेंट थे। तो उसके बाद एक कोरियोग्राफी चांस भी मिली थी, वो भी किया, थोड़ा कोरियोग्राफी भी किया। लेकिन सब करने के बाद भी मेरे को अंदर से वो मजा नहीं आ रहा था, वाइब नहीं आ रहा था, और बड़ा करना है, और बड़ा करना है। तो उधर से फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मेरे को DID मिला। DID किया उसके बाद मैंने। DID में आप टॉप 5 में थे? यस, DID में भी टॉप 5 में था और 4th रनर अप था मैं। अच्छा। यस yes. और उसके बाद फिर डांस इंडिया डांस, उसके बाद इंडियाज़ बेस्ट डांस। यस। ओके। तो रेलगाड़ी से लेके फ्लाइट तक का सफ़र हमने तय किया है, कितने देशों की यात्रा कर चुके हो? मैंने इंडिया में तो वैसे बहुत घूमा है, और आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस जा चुका हूँ, दो देश जा चुके। यस, कतार एंड ऑस्ट्रेलिया। बोल, एक बात अक्सर आती है जब कोई डांसर फेल हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाता ऑडिशन में, तो बोलते हैं यार ऑडिशन तो बहुत फर्जीवाड़ा होता है और बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऐसा। मैं रायपुर में अपने जितने भी, आप मैक्सिमम क्लासेस जाओगे उनसे अगर पूछोगे कि भाई अगर तुम्हारे बच्चों को अगर रियलिटी शो में भेजना है तो कैसे भेजें, तो वो लोग तो आपको बोल देंगे नहीं हो सकता, पैसे चाहिए उसके। हाँ। पैसे देना पड़ता है, ऑडिशन ऐसे ही करवाते, फेक है। बट मैं DID फाइनलिस्ट था,
बोलते कि वहाँ पे पार्शलिटी बहुत चलती है, जो लोग को जानते वो लोग को ही लेते हैं। बट मैं DID फाइनलिस्ट था, टॉप 5 में था, रनर अप बना। रनर अप बनने के बाद भी जब इंडियाज बेस्ट डांसर का ऑडिशन हुआ तो मैंने रायपुर से ही ऑडिशन क्लियर किया फर्स्ट, फिर मैं कोलकाता से भी क्लियर किया, फिर मैं मुंबई में गया उधर पर भी क्लियर किया। और लाइफ में सबसे ज़्यादा ऑडिशन अगर मैंने दिया है किसी शो में तो ये इंडियाज बेस्ट डांसर का शो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 राउंड क्लियर किए। अच्छा, कोलकाता में जाके फिर 1 राउंड क्लियर किया। फिर इंटरनली जो सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है वो मुंबई का रहता है। टीवी राउंड से पहले आपको 4 राउंड क्लियर करना पड़ा है। अच्छा, टीवी में जाने से पहले। तो कहीं आपसे कोई पैसे की डिमांड हुई? कहीं पे भी नहीं ऐसा कुछ। यार देखो, कितना ही देगा, अगर कोई बंदा अगर देगा तो 10 लाख देगा, 20 लाख देगा, लेकिन यार उन लोग का जो एक शो बनता है वो पूरा 1 करोड़ का शो बनता है। सही बात, करोड़ से भी ऊपर का शो बनता है, क्योंकि वो लोग इतना पैसा लेते हैं, एक एक एपिसोड बनाने में इतने लोग लगते हैं, क्या करेंगे वो। आपका 10 लाख कहीं पे कहाँ पे जाएगा पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये सवाल पूछने का मेन मोटो ये था, मकसद ये था कि मैंने अक्सर मतलब सैकड़ों हजारों लोगों को सुना है, अरे फलाना ऑडिशन मत देना, कोई मतलब नहीं होता, पैसा लगता है। तो मुकुल अब तक दर्जनों ऑडिशन दे चुके हैं और ये बंदा फर्स्ट रनर अप तक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना कामयाब शख्स अगर ये कह रहा है कि ऑडिशन में पैसे नहीं लगते, तो ये तय मानिए कि पैसे नहीं लगते, टैलेंट है तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। मुकुल, जैसे आप कामयाब हो गए तो पेरेंट्स कब रजामंदी हुए कि हाँ यार बच्चा अच्छा कर रहा है, कब ऐसा लगा कि यार अब इसको सपोर्ट करना चाहिए? मैंने जब D10 में जब मैं फाइनलिस्ट बना, उसके बाद से मेरे घर वाले ओके हो गए थे कि हाँ चलो ठीक है, बच्चा है, कर रहा है, उसका मन का है, अभी करने दो उसको, अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि पढ़ाई में नहीं है। और वो लोग ने भी देख लिया पढ़ा के कि अभी पढ़ाई में नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम वही करो जो करना है। अच्छा, इंडियाज बेस्ट डांसर का जो अवार्ड था उससे 1 कदम आप पीछे रहे हो सिर्फ, तो क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? खड़े थे हम वहाँ पे और पूरे शो में ऐसे सबको पता था कि या तो मुकुल या तो टाइगर, ये दो में से सबको पता था कि पूरे शो में ये दोनों में से ही किसी एक को मिलने वाली अच्छा। है। और ज़्यादा एक्चुअली हमारी शो में एक बार हमारी जो पूरी शो है, हमारी जो पूरी इंडिया है वो इमोट में ज़्यादा जाती है। अगर उसको इमोशनली अगर आपको देखने जाओगे तो आप इमोशनल बहुत है हमारी इंडिया। सही बात, तो उस जगह पे मैं पीछे रह गया। अच्छा, मतलब इमोशनल लेवल पे टाइगर आगे निकल गया। यस, उस जगह पे मैं थोड़ा पीछे रह गया। खैर, और कुछ नहीं। शो में एक और आपके डांस के अलावा एक और चर्चे रहे सोना के साथ, जो आपकी केमिस्ट्री थी। Yes. तो कब और कैसे मुलाकात हुई थी उनके साथ? मैं सोना से वाइजैग में मिला था, मैं शोज कर रहा था तब। अच्छा। उसके साथ मैं मिला, हम दोनों मिले मस्त, फिर अपन दोनों में बातें हुई, बातें होने के बाद फिर चैटिंग्स। कब की बात है चैटिंग्स? ये 2 साल ही, सेकेंड है। अच्छा। दूसरी साल है जब हम साथ है, 2 साल से अपन साथ, ये सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाली है। यस, तो क्योंकि वो फैशन इन्फ्लुएंसर है तो आपके सारे ड्रेसेस वगैरह वही सेलेक्ट करती हैं? फैशन इन्फ्लुएंसर तो नहीं है वो, मतलब एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, मतलब उसको फैशन और जितने शौक भी है वो सब है, जो मैंने उनको सर्च किया है, फोटोग्राफी ड्रेसिंग ये सब का उसको शौक है। तो उसको भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उसको बनना है, वो बनते गई उसको। अच्छा। उसका कोई मोटो नहीं था, वो इतनी ऑडियंस को इतना रिच होती है, ऑडियंस उसको इतना पसंद करते हैं, हमारी जो भी ये है पीपल्स जितने भी है वो सब उसको बहुत पसंद करते हैं, तो देखते हैं, तो धीरे धीरे वो बनते गए। ऐसा कुछ मोटो नहीं था कि उसको फैमिली वालों को पसंद है। हाँ, हम दोनों को, क्या बोलती हैं, फैमिली वालों के लिए कोई भी स्ट्रेस नहीं, दोनों को पसंद। अच्छा, मुकुल, आपके पिताजी का हाल ही में देहांत हुआ है 7 सितंबर को। यस। Yes. तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ था उनको? पापा को कैंसर हुआ था। जो हमें मैं जब मुंबई में था, अपना लॉकडाउन हो गया था तब मुझे पता चला। अच्छा। तो उस टाइम अपना जो हुआ, उसके बाद मैं आना चाहता था बट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा था कि पैसे की ज़रूरत थी। और जो आप ये क्लास देख रहे हो तो ये क्लास में मैंने पूरे पैसे लगा दिए थे। अच्छा। जब मैं यहाँ से गया था, मैं जब यहाँ से गया था तब मैंने ये क्लास बनाया, हमारे पास जितने पैसे थे सारे पैसे क्लास में हमने लगा दिए। तो उसके बाद अपने पास पैसे नहीं थे कि हम इलाज कराएं। अच्छा। तो एक ही लास्ट ऑप्शन था मेरे पास कि मेरे को ये शो जीतना था।
कि ये शो से जो भी पैसे आएंगे जैसे उससे मैं पापा का इलाज कराऊंगा, तो इसी वजह से मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ा। फिर यहाँ पे चलते गया, उसका चलते गया, हमारा शो का TRP इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो लोग भी शो नहीं रोक रहे थे। हमारा शो का TRP से बीच में बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा था, राइट। तो पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट शो बन गया, तो उनको भी और चलाना था, तो वो लोग भी नहीं रुके, वो लोग भी बढ़ाते गए और टाइम कम कम करते 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 पापा का लास्ट एज में आ गए, फिर उनका देहांत हुआ। यस। भारती ने किस तरह से मदद की इलाज ने? भारती दी तो वो तो मेरे लिए गॉड है, मतलब भारती दी इतनी अच्छी है। भारती दी और हर सर मैं बोलना चाहूँगा हमारे जो भी ऑडियंस है, अगर कुछ भी नेगेटिविटी रहता है प्लीज़ खाली नेगेटिविटी पे मत जाओ। एक एक आर्टिस्ट जो टैलेंट है उसमें वो देखो, और जो भी हुआ है सब लेते हैं, कोई छुप के लेता है, लेकिन सब लोग टारगेट अभी बॉलीवुड को बना रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग क्यों लेते हैं सब, वो सब पे मत जाओ प्लीज़। आपके घर में से भी अगर कोई लेता होगा तो सुधार लो, ठीक है, बट ऐसे कोई जाना नहीं चाहिए कि उसको बॉयकआउट करना चाहिए सारे शो से, क्योंकि वो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिल से इतनी साफ है। हम लोग का हर शो का हर शो में जब हम एपिसोड करते हैं तो उसमें खाना, वो हमेशा खाना बना के लेके आती थी। अच्छा। हमेशा सबके लिए, वो भी खाली हम एक दो के लिए नहीं, सबके लिए खाना बना के लेके आती थी, मतलब सबके लिए बना के लेके आती थी, मतलब और वो भी कितना टेस्टी बना के लाती थी, मतलब बहुत बहुत टेस्टी, सबके लिए, सब कंटेस्टेंट लोग के लिए, कोरियोग्राफर लोग के लिए अलग से खाना बना के लेके आती थी, मतलब इतना खर्च करती थी हम लोग के ऊपर। और हम लोग को क्या चाहिए, कुछ भी, जो भी हम लोग को जो भी चाहिए रहता है, सडन पिज़्ज़ा चाहिए, हाँ पिज़्ज़ा चाहिए, एक बड़ी बहन के जैसे ट्रीट करती थी। पूरा पूरा फैमिली, मतलब आज तक मैंने इतने सारे शोज किए, इतने मैंने, ये मेरा 5th रियलिटी शो था ये मेरा, लेकिन ऐसे एंकर मैंने लाइफ में नहीं देखे और ऐसे पर्सन लाइफ में नहीं देखे। पिता के इलाज में भी मदद की थी मेरे पापा, मेरे पापा का इलाज चल रहा था तब, उनने मेरे पापा को हॉस्पिटल में नहीं ले रहे थे, एडमिट नहीं कर रहे थे, तो वो हॉस्पिटल का जो हेड है, जो मेन है, जो ओनर है, उनको कॉल करके भी उनने बोला था कि तुम इसको रखो, बट वो लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है हम रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जितना टाइम बचा हुआ है उतना टाइम। तो उस टाइम भारती दी बोली कि ऐसा बोल रहे, तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, तो पहले बोली कि उनने मेरे को 1,00,000 रुपये दिया। अच्छा। यस, उनने मुझे 1,00,000 रुपये दिया पहले कि तुम पापा को घर लेके जाओ और वहाँ पे पापा के लिए जो चाहिए वो लेके आओ। तो वो पैसे भी दी वो, और रोज़ कॉल करती थी कि क्या पापा जी को भी। यस, रोज़ कॉल करती थी, रोज़ कॉल करके पूछती है। एक्चुअली अभी भी हम लोग से बात भी हो रहा है अभी भी। अच्छा। मतलब हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है इंडियाज़ बेस्ट डांसर का। ओके। उसमें दिन जब भी उनको टाइम मिलता है ना, वो मैं हमसे बात करती है। अच्छा। अभी भी मेरे से बात कर रही है। अगर भारती ये शो देखेंगी तो मैं भारती को बोलना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी कॉमेडी का फ़ैन हूँ, और जो आम जनता है अगर वो इस एपिसोड को देखेगी तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी इंसान का देखना चाहते हैं टैलेंट, देखिए दुनिया में कई तरह की अफवाहें उड़ती हैं। आप किसी व्यक्ति को गुनाहगार तब मानिए जब वो साबित हो जाए, जब कोर्ट उसे साबित कर दे कि ये गुनाहगार है। और दुनिया में इस तरह की ढेरों चीज़ें हो रही हैं, आप गली से बाहर निकलेंगे अपने घर की तो आपको पता चलेगा कि कौन गांजा फूंक रहा है और कौन सिगरेट फूंक रहा है। खैर, मुगल, अब अगला टारगेट क्या है? अब जो मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, एक्चुअली अभी मैं ऑनलाइन एक डांस वर्कशॉप प्लान कर रहा हूँ जिसमें हमारे IBD के जितने कंटेस्टेंट्स थे सब रहेंगे उसमें, और सब अपना अपना स्टाइल पूरे इंडिया वालों को सिखाएंगे। ओके। एंड उसके बाद एक यहाँ पे ये क्लास जो है मेरा, इसमें एक सेटअप बनाना है मेरे को, एक लाइक छोटा सा रियलिटी शो बनाना है यूट्यूब पे। अच्छा। यस। yes. तो कब शुरू करने वाले हैं ये? इसका मैं प्रोजेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, बट पहले मैं ये ऑनलाइन डांस वर्कशॉप बनाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट उसको करूँगा। तो ये ऑनलाइन जो वर्कशॉप का हमारा जो प्लानिंग हुआ ऑन प्रोसेस है, अभी काम चल रहा है इस पर, अपन 1 दिसंबर तक के उसके ऊपर वो कर लेंगे। अच्छा मुकुल, रायपुर बहुत एक छोटा सा, अब तो खैर बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुंबई के नज़रिए से देखा जाए तो अभी भी बहुत छोटा है। रायपुर की क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जो आपको दूर तक ले गई, और क्या यहाँ कमज़ोरी लगी जो आगे चल के दूर होनी चाहिए? बहुत अच्छी थी रायपुर की, मतलब इनने बोला, जैसे मेरे कुछ
भाई लोग थे, 10-15 लोग की टीम बनी थी, 30 लोग की। तो ये 30 लोगों ने मिल के पूरा रायपुर में बहुत ट्राई किया वोटिंग्स के लिए। हर जगह पे जाते थे मेरे भाई लोग कि वोट करना है, वोट करो वोट करो, बहुत बहुत सपोर्ट किया इनने। बस एक चीज़ है कि अभी डांस को लेके जो मतलब अफवाह चलता है कि यार मत करो, ऐसा मत करो, ये चीज़ बहुत गलत है। और मैं सबसे पहले एक चीज़ रोकना चाहूँगा कि जो हमारे लोकल डांस क्लासेस रहते, इतने सारे हमारे लोकल डांस क्लासेस हैं, मेरा भी क्लास है, सबका क्लास है, सब लोग जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो गलत चीज़ें डाल रहे हैं ना कि रियलिटी शो में जाना है तो तुमको मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा तुमको और तुमको मैं वहाँ तक के भेजूंगा, लेकिन भेज कोई नहीं पाता है। अच्छा, भेज मैं भी नहीं पाऊंगा, भेज मैं भी नहीं सकता। तुमको बस वहाँ तक एक ही इंसान भेज सकता है, वो खुद तुम हो। अगर आप सिखा रहे हो, अच्छा चीज़ सिखाओ, अच्छा नॉलेज दो बच्चे को कि हाँ वो बच्चा कर पाए, और बाकी टैलेंट उसके अंदर डालो, माइंड में कुछ मत डालो, ओनली अंदर टैलेंट डालो अपने। मैंने बहुत सारे क्लासेस है अपने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लासेस है, जो लोग खाली बोलते हैं कि मेरे पास आ जाओ मैं तुमको करवा दूँगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैसा मायने नहीं रखता, टैलेंट मायने रखता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप अगर उनको गलत बोल के, अगर मैं स्पेशल ट्रेनिंग लगाता हूँ आपके बच्चे को, ये इतने बजे का स्पेशल ट्रेनिंग रहता है मेरे क्लास में, आ जाओ, तो वो जो चीज़ है ना, वो स्पेशल है भी कि नहीं वो भी देखो, कि वो स्पेशल जो स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है वो बंदा भी कुछ है कि नहीं वो भी पहले देखो, कि वो ऐसे ही दे रहा है। मुगल, ओवरऑल 21 साल के हो गए आप, 5 रियलिटी शो भी आपने कर लिए, लाइफ का अब तक का बेस्ट मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहता हो? लाइफ का बेस्ट मोमेंट मेरा वही है कि मैं 3 बार फाइनल में जाके भी वहाँ तक के नहीं पहुँच पाया, लेकिन अभी भी मैं रुका नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, हम रनर हैं, मतलब हमेशा रन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ पीछे कभी नहीं आया, मैं हमेशा बढ़ते ही गया। मैंने कभी पीछे का चीज़ कभी देखा नहीं कि मैं पीछे हुआ हूँ, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने देखा है। भगवान की बहुत अच्छी सपोर्ट है मेरे ऊपर, ही इज़ ब्लेस्ड मी, बट फिंगर क्रॉस्ड, अभी लाइफ का अच्छा मोमेंट आने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। अभी तक क्या आया नहीं है, जल्द आएगा, अभी आने वाला है। चलो दोस्तों, आपने अभी सुना मुकुल को, मुकुल ने अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर की, 11 साल की उम्र में डांस करने से लेकर 21 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े डांसिंग शो में फर्स्ट रनर अप रहने तक की कहानी मुकुल ने शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे मुकुल के साथ एक लाइव वीडियो करने की, जिसमें अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप उनसे सीधे पूछ सकेंगे। मुकुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।